समाजवादी पार्टी के बदायूं लोकसभा क्षेत्र के लिए पहले धर्मेंद्र यादव, फिर उनकी जगह शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया और शिवपाल सिंह यादव के स्थान पर उनके बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है। सहसवान, बदायूं और गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में इसके प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। इस बीच शिवपाल यादव लखनऊ चले गए। प्रचार की पूरी कमान आदित्य यादव ने संभाल ली है। 3 दिनों से आदित्य चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। उम्मीदवारों के सवाल पर वो कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे। धर्मेंद्र यादव 2009 में बदायूं आए और सांसद बने, दोबारा 2014 में लड़े, फिर जीते, तीसरी बार 2019 में लड़े लेकिन हार गए। चौथी बार के लिए धर्मेंद्र यादव ही तैयारी कर रहे थे और कार्यकर्ता भी चाहते थे, लेकिन सपा के कुछ नेताओं ने उनका विरोध कर दिया और सपा मुखिया अखिलेश यादव को लिखकर दे दिया कि वो धर्मेंद्र यादव को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते हैं। तब सपा मुखिया ने शिवपाल सिंह यादव के बेटे का नाम का ऐलान किया। ऐलान के 22 दिन बाद तक शिवपाल नहीं आए। वो अपने बेटे आदित्य को उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन जब बेटे को लड़ाने के लिए उच्च स्तर पर फैसला नहीं हो सका तो वो खुद चुनाव मैदान में उतरे। बेटे के साथ बदायूं आए, करीब 7 दिन प्रचार प्रसार किया। इस दौरान सहसवान, बदायूं और गुन्नौर में सम्मेलन हुए, जिसमें आदित्य को लड़ाने की मांग मुखर होकर कार्यकर्ताओं ने उठाई। खुद शिवपाल यादव भी और सपा के लोकसभा क्षेत्र के चुनावी प्रचारी पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कार्यकर्ता की भावनाओं के अनुरूप आदित्य यादव को चुनाव लड़ाना जाने का आग्रह करेंगे। इसके बाद 2 अप्रैल को शिवपाल सिंह यादव लखनऊ चले गए। लखनऊ में उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात हो गई। इसके बाद ही सियासी हलकों को कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों में जल्द ही बदलाव का ऐलान होगा। सपा के जिलाध्यक्ष आशीष यादव ने बताया कि चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन उम्मीदवार बदलने का विषय राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर का है। पार्टी जिसे अधिकृत करेगी हम उसे ही चुनाव लड़ाएंगे।